Yeah. Impact of Russian Revolution on Russia. Now, what were the impacts of Russian Revolution on Russia? As you have done the whole chapter, you can write yourself, you can frame points yourself. But फिर भी हम एक बार इसे कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही बताओगे ना, एब्सोल्यूटिस या ऑटोक्रेटिक रूल केम टू एन एंड इन रशिया. पहले तो आप यही बता दोगे, ऑटोक्रेटिक रूल एंड हुआ था. ठीक, नेक्स्ट आप बता दोगे कंडीशन ऑफ वर्कर्स इम्प्रूव्ड. आपको जो जो इसमें प्रॉब्लम्स थी ना, वो सारी सॉल्व कर दो. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटोक्रेटिक रूल इन रशिया केम टू एन एंड, कंडीशन ऑफ वर्कर्स वाज इम्प्रूव्ड, उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो चुकी थी. ठीक है, क्रेचेस वर सेट अप. क्रेच, क्रेच पता है ना, प्लेवे. क्रेचेस प्लेवे से पहले, जब छोटे बच्चों को पेरेंट्स छोड़ देते हैं जहां पे वर्किंग होते हैं, तो क्रेचेस वर सेट अप फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स. क्रेचेस सेटअप हुई थी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स. एज यू नो इट वेल ना, कि अर्लियर वुमेन कैरिड देअर स्मॉल किड्स विद दैम इन द इंडस्ट्रीज, क्योंकि वुमेन फैक्ट्रीज में जब वर्क करती थी, दे हैड टू कैरी देअर किड्स विद दैम. बट नाउ क्रेचेज वर, आप लिखोगे क्रेचेज वर सेटअप फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप बता सकते हो, चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीजेंट्स, चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीजेंट्स वर अलाउड टू ज्वाइन हायर यूनिवर्सिटीज. चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीजेंट्स वर अलाउड टू ज्वाइन यूनिवर्सिटीज फॉर हायर एजुकेशन. चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीजेंट्स वर अलाउड टू ज्वाइन यूनिवर्सिटीज फॉर हायर एजुकेशन. उनके बच्चे अब यूनिवर्सिटीज में जा सकते थे फॉर हायर एजुकेशन. नेक्स्ट, रशिया बिकेम सुपर पावर अंडर जार. इट वॉज बैकवर्ड कंट्री. रशिया बिकेम सुपर पावर अंडर जार. इट वॉज बैकवर्ड कंट्री. आप पढ़ चुके हो जार के अंडर ये बैकवर्ड कंट्री थी, बट इट मेड ग्रेट प्रोग्रेस फर्स्टली अंडर लेनिन एंड देन अंडर स्टालिन. लिसन केयरफुली, रशिया बिकेम सुपर पावर अंडर जार. जार के अंडर ये कैसी कंट्री थी? इट वॉज बैकवर्ड कंट्री. एज यू नो इट वेरी वेल ना, कि जार के अंडर रशिया वॉज बैकवर्ड कंट्री. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत लेट आया रशिया में. अंडर जार इट वॉज बैकवर्ड कंट्री. इट मेड ग्रेट प्रोग्रेस फर्स्टली अंडर लेनिन एंड देन अंडर स्टालिन. स्टालिन भी पता है ना, बोल्शेविक लीडर. लेनिन बोल्शेविक लीडर, भूल तो नहीं गए कहीं? गुड. नेक्स्ट इज, लिसन अगेन, आपको जो जो प्रॉब्लम्स दिखती थी ना उसमें चैप्टर में, वो सारी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोक्रेटिक रूल का एंड हुआ, देन वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव हुई, वुमेन वर्कर्स के बच्चों के लिए क्या आ गई, क्रैचेस, पीजेंट्स के बच्चे कहाँ जाने शुरू हो गए, यूनिवर्सिटीज फॉर हायर एजुकेशन, रशिया सुपर पावर बन गई. ठीक है, एंड रशिया बिकेम सोशलिस्ट कंट्री. रशिया बिकेम सोशलिस्ट कंट्री. सो इट्स इनफ, इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन रशिया. नेक्स्ट इज, इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन वर्ल्ड. वर्ल्ड, यहाँ ग्लोबल इम्पैक्ट पूछा जाता है पेपर में. ग्लोबल इम्पैक्ट भी वर्ड आ सकता है, वर्ल्ड भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन द विश. आप ग्लोबल भी साथ में लिख लो, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, या फिर इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन वर्ल्ड. ठीक है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आए तो यू हैव टू राइट द आंसर. ग्लोबल इम्पैक्ट आ गया, आंसर इज सेम. इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन रशिया आ गया, ओ सॉरी ऑन वर्ल्ड आ गया, तो आंसर इज सेम. ग्लोबल इम्पैक्ट मीन्स वर्ल्ड. तो इसमें आप क्या बताओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओगे स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म. स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म हेडिंग बना दोगे, स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म. इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, स्प्रेड ऑफ
सोशलिज्म। अब इसमें आप बताओगे स्प्रेड स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म आपका बन जाएगा फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें आप बताओगे रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री दैट बिकेम सोशलिस्ट, रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री दैट बिकेम सोशलिस्ट आफ्टर रेवोल्यूशन। सो फ्रॉम रशिया आइडिया ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड टू अदर कंट्रीज, सो फ्रॉम रशिया आइडिया ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड टू अदर कंट्रीज एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड बिकमिंग सोशलिस्ट, ठीक है, इस वे से लिख दो। आइडिया ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड टू अदर कंट्रीज दे ऑल्सो स्टार्टेड बिकमिंग सोशलिस्ट। रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री दैट बिकेम सोशलिस्ट, सो द आइडिया ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड टू अदर कंट्रीज फ्रॉम रशिया एंड दे ऑल्सो ट्राई टू बिकम सोशलिस्ट, वो भी कोशिश करना शुरू होगी कि वो भी सोशलिस्ट बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट वॉर बिटवीन, वॉर हेडिंग बनाओगे वॉर बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, वॉर बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, वॉर बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। इसमें आप बताओगे इन रशिया लैंड बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इन रशिया लैंड बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज वर आल्सो ओन्ड बाय गवर्नमेंट नॉट बाय इंडिविजुअल्स। सो this idea spread in other countries and there were wars between capitalist and socialist. In Russia land became the property of the state government, industries after the revolution industries were owned by state government not by an individual. This idea got spread in other countries and there were wars, ladaiyan shuru ho gayi, there were wars between capitalist and socialist, capitalist and socialist ke aapas mein hi jhagde hone shuru ho gaye pure world mein, log capitalism ke against hote ja rahe the, log socialism ki favor mein aa rahe the, theek hai, there were wars between capitalist and socialist. नेक्स्ट आप बता दोगे कम्युनिस्ट स्टेट कम्युनिस्ट स्टेट आफ्टर रेवोल्यूशन Russia became a communist state. Russia was the first country that became communist state. After revolution, Russia was the first country that became communist state. ये first country थी जो socialist बनी, ये first country थी जो communist बनी, ठीक है? Russia became communist state. So communist parties various communist parties were formed in other countries of the world, communist parties ban gayi dusri countries mein bhi. Listen again, after revolution Russia was the first country that became communist state, so in other countries
कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड, दूसरी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज बननी शुरू होगी। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है ना, सो इन अदर कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड, दूसरी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज बननी शुरू हो गई। मीन्स ये भी आइडिया रशिया से ही गया था, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट, ये बच्चे की प्रॉब्लम है। वंशिका, यस वंशिका, आई वन म्यूटेड यू वंशिका, वंशिका अनम्यूट योर सेल्फ। वंशिका इज दिस एनी प्रॉब्लम? नो, लिसन केयरफुली। आई नेक्स्ट आप इसमें बता सकते हो, रशिया बिकेम सुपर पावर, ये हेडिंग इसमें भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यू कैन राइट हेयर ऑल्सो दिस पॉइंट। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ डेमो, वो मैं नहीं रिपीट कर रही, रशिया बिकेम सुपर पावर, यू कैन राइट। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी या मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ऐसे लिख दो, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड, ठीक है, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड। अब इसमें आप बताओगे, अर्लियर पीपल वर गिवन पॉलिटिकल इक्वालिटी, अर्लियर पीपल वर गिवन पॉलिटिकल इक्वालिटी but now they demanded economic and social equality also. Earlier people were given political equality, but now they demanded social and economic equality, social and economic equality also, because they were on the view that earlier people were given political equality, but now they demanded social and economic equality also, because they were on the view that without political equality, because they were on the view that without social and economic equality, without social and economic equality, democracy has no meaning. Earlier people were given political equality, but now they demanded economic and social equality, because they were on the view that without social and economic equality, democracy word had no meaning. Democracy word had no meaning. वो कहते हैं बिना economic and social equality के democracy तो useless है. So idea of democracy redefined. So idea of democracy या meaning of democracy redefined. So the meaning of democracy redefined. लोगों को पहले क्या मिली हुई थी? Political equality, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि political equality useless है without economic and social equality. They demanded political and social equality. उन्होंने कहा democracy useless है without social and economic equality. So the meaning of democracy got redefined. So ये आपका topic बन गया, impact of Russian Revolution on world. ठीक है, मिक्स नहीं करना, पॉइंट्स चेंज है दोनों में। अब एक मिनट, मैं आपको पूछती हूँ, सोशल कंडीशन ऑफ रशिया एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशिया, लिसन केयरफुली। पॉलिटिकल कंडीशन अगर पेपर में आए तो यू कैन राइट ऑटोक्रेटिक रूल था, नो नीड टू राइट लेसन ओनली, बिकॉज यू हैव डन ऑल, होल चैप्टर हम कर चुके हैं। अब मैं बीच बीच में क्वेश्चन बना के पूछती हूँ आपसे, क्वेश्चन बोलते हैं, मैं बोलूँगी, लिसन दैम। फॉर एग्जाम्पल, आपको आ गया पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ रशिया,
तो यू कैन फ्रेम दीज पॉइंट्स ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही बताओगे ऑटोक्रेटिक रूल था, पावर्स रिच के हाथ में थी, है ना, एंड ज़ार कंसल्टेड ओनली रिच पीपल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है। तो पॉलिटिकल में आप ये भी बताओगे ज़रीना के बारे में कि ज़रीना का इन्फ्लुएंस था एंड ज़रीना वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रास्पुतिन रशियन मॉन्क ऑलवेज मिसगाइडेड ज़ार, सो पीपल वर अनहैप्पी विद दिस टाइप ऑफ रूल एंड वॉन्टेड फ्रीडम फ्रॉम सच टाइप ऑफ रूल, फ्रॉम ऑटोक्रेटिक रूल वो फ्रीडम चाहते थे। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल कंडीशन, ये पॉलिटिकल कंडीशन में यही बताओगे ना ऑटोक्रेटिक रूल था, पावर्स ज़ार के हाथ में थी, कंसल्टेड ओनली रिच फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है। तो इस वजह से ज़रीना का भी होल्ड था, ज़रीना अच्छी पार्टनर नहीं थी, शी वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रास्पुतिन, ही वॉज रशियन मॉन्क, शी ऑलवेज मिसगाइडेड ज़ार, तो समटाइम्स ज़ार टुक रॉन्ग डिसीजंस, ठीक है, रॉन्ग डिसीजंस लेता था। फॉर एग्जाम्पल ही पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे ऐसे रूल से, अपने वे से बना के पॉलिटिकल कंडीशन लिखनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको पेपर में आ जाए, लिसन केयरफुली, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशिया, तो यू नो इट वेरी वेल, रशिया वॉज बैकवर्ड कंट्री अंडर ज़ार, नो इट ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम लेट इन रशिया, ये सब आप कर चुके हो। हाउ टू डू, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, सबसे पहले इकोनॉमिक मीन्स पैसे को लेके आपने बताना होता है, तो आपको पता ही है बैकवर्ड कंट्री थी, है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेट आया रशिया में, रशिया में जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, देवर ओन्ड बाय फॉरनर्स। अब रशिया में वर्कर्स की कंडीशन पुअर थी, देवर गिवन लो वेजेस, वुमेन वर्कर की कंडीशन भी पुअर थी, उनको भी लो वेजेस मिलते थे एज कम्पेयर टू मेल, वुमेन की वेजेस और कम थे, कंडीशन ऑफ द पीपल वॉज नॉट गुड, पीजेंट्स जो पुअर पीजेंट्स थे उनकी भी कंडीशन पुअर थी, तो पीपल हैड टू पे टैक्सेस आल्सो, सो इकोनॉमिक कंडीशन इन रशिया वॉज नॉट गुड, ठीक है। और साथ में आप यहाँ पे ये भी बताओगे 85% पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट, 85% लोग जो थे ना रशिया में देवर एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट थे, और उसमें से पुअर पीजेंट्स उनकी कंडीशन बहुत पुअर थी, बस इतना सा आप बता दो इकोनॉमिक कंडीशन। मेन आपने यहाँ पे ये बताना है कि बैकवर्ड कंट्री थी रशिया, वॉज बैकवर्ड कंट्री अंडर ज़ार, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती थी अंडर ज़ार, देर वॉज नो इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ज़ार, ज़ार के पीरियड में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी, देर वर नो इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम लेट इन रशिया, मोस्टली द इंडस्ट्री, देर वर फ्यू इंडस्ट्रीज एंड दे वर ओन्ड बाय फॉरनर्स, फॉरनर्स पेड लिटिल वेजेस टू द वर्कर्स, कंडीशन ऑफ वर्कर्स वॉज वेरी पुअर, वुमेन वर्कर की कंडीशन और पुअर थी, दे वर गिवन लो वेजेस एज कम्पेयर टू मेल वर्कर्स, 85% पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। तो ये आप इसमें बताओगे और साथ में बताओगे पुअर पीजेंट्स, कंडीशन ऑफ पुअर पीजेंट्स वॉज वेरी पुअर, उनकी कंडीशन बहुत पुअर थी, इज इट क्लियर, इकोनॉमिक कंडीशन लिखना आएगा, अपने वे से पैसे को लेके बैकवर्ड कंट्री को लेके लिखना है, पॉलिटिकल कंडीशन में ऑटोक्रेटिक रूल अरिस्टोक्रेट, फिर आप बताओगे ज़रीना के बारे में कैसे रॉन्ग डिसीजन लिए जाते थे, लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। अब आपको अगर आ जाए सोशल कंडीशन, व्हाट डू यू नो अबाउट द सोशल कंडीशन ऑफ रशिया, तो अब आपने इसमें क्या लिखना है, सबसे सोशल मीन सोसाइटी, ठीक है, सोशल जब लिखते हैं तो सोसाइटी, तो आपको लोगों के बारे में सोचना है सबसे पहले, वहां पे कैसे लोग थे, इसमें लोग हाईलाइट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है 85% लोग जो थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा सोसाइटी में। फिर आप बताओगे वहाँ पे वर्कर्स भी थे, मेटल वर्कर्स भी थे और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स भी थे, ठीक है, वुमेन वर्कर्स भी थी। पहले तो आप सोसाइटी के बारे में बताओ कि लोग कैसे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल कि देयर वर 85% पीपल इन रशिया वर एग्रीकल्चरिस्ट। फिर आप बताओगे मेटल वर्कर्स थे, फिर आप बताओगे वर्कर्स, देर वर वर्कर्स हु वर्कड इन इंडस्ट्रीज, देर वर 31% वुमेन वर्कर्स आल्सो वर्कड इन फैक्ट्रीज, 31% वुमेन वर्कर्स वर्कड इन फैक्ट्रीज। लिसन अगेन, जब सोसाइटी बताते हैं तो हम यही बताएंगे ना कैसे कैसे लोग थे। सबसे पहले आप यही बताओगे कि 85% लोग क्या थे, एग्रीकल्चरिस्ट। आपको पता है 85% बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ, क्योंकि बाकी कंट्रीज में 50 या 60% थे, फ्रांस में अगर ले तो 60% पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। रशिया एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे 85% पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट।
फिर आप बताओगे वहाँ पे मेटल वर्कर्स थे, ठीक है, वहाँ पे वो भी वर्कर्स थे जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, और 31% वुमेन वर्कर्स भी वहाँ पे थी, ठीक है। अब आप बताओगे कि पीजेंट्स जो थे देवर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, पीजेंट्स इन रशिया वर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स में बटे हुए थे। सबसे पहले लैंडलेस वेरी पुअर पीजेंट्स, लैंडलेस वेरी पुअर पीजेंट्स हु वर्क्ड ऑन द फील्ड्स ऑफ अदर्स, लैंडलेस पुअर पीजेंट्स हु वर्क्ड ऑन द फील्ड्स ऑफ अदर्स। Then middle class, owners of small farmland, जिनके पास थोड़ी सी लैंड थी, own small piece of land, कुछ भी आप लिख सकते हो, middle class peasants, then very rich peasants, landlords, very rich peasants, landlords. अब पुअर पीजेंट्स वर नॉट हैप्पी विद रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स जो थे दे वर नॉट हैप्पी विद रिच पीजेंट्स, दे ऑलवेज वॉन्टेड, और वो हर टाइम क्या चाहते थे, दे ऑलवेज वॉन्टेड दैट लैंड ऑफ रिच शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, वो हर टाइम चाहते थे कि लैंड ऑफ रिच should be distributed among them, and sometimes they murdered their landlords, sometimes they murdered the rich peasants or landlords, unke murder kar dete hote the kai baar, and sometimes they murdered their landlords or rich peasants. So peasants in Russia, they were not, poor peasants in Russia, they were not happy with rich peasants. Okay, now is it clear? एक और form में question आ सकता है, अब ये तो होगी social condition, listen again, हाँ एक इसमें ये भी बता सकते हो, metal workers जो थे ना वो थोड़े rich थे, metal workers superior कहे जाते थे, ठीक है, जो workers who worked in factories, their condition was very poor. वुमेन वर्कर का तो आपको पता ही है कंडीशन वाज वेरी पुअर, मैं इसलिए नहीं करवा रही, डू दीज टॉपिक्स यूर सेल्फ, आपको सोशल कंडीशन जब करनी है सोसाइटी को दिमाग में रख के करना है कि 85% लोग एग्रीकल्चरर्स थे, रिच पीजेंट्स थे, पुअर थे, वेरी पुअर थे, वर्कर्स थे, मेटल वर्कर्स की कंडीशन अच्छी थी, फैक्ट्रीज में काम करने वालों की कंडीशन अच्छी नहीं थी, ठीक है, डिपेंड अपॉन यूर विश हाउ टू राइट, 31% वुमेन वर्कर्स थी उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, ठीक है, इट डिपेंड अपॉन यूर विश हाउ टू राइट, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता होता है, रशियन सोसाइटी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, व्हाई? रशिया के लोग दूसरी कंट्रीज के लोगों से डिफरेंट थे, वो तो मैंने अभी पॉइंट बोला है कि रशिया में रिच पीजेंट से पुअर पीजेंट्स वर नॉट हैप्पी एंड दे ऑलवेज मर्डर्ड देयर लैंडलॉर्ड्स, वो अपने लैंडलॉर्ड्स के मर्डर कर देते होते थे, ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे रशियन सोसाइटी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। लिसन अगेन, ये एक लाइन लिख लो, व्हाई हाउ रशियन सोसाइटी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, इसी में से ही बन जा रहा है ये क्वेश्चन, रीजन क्या था व्हाई रशियन सोसाइटी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्यों डिफरेंट थी, इन रशिया पुअर पीजेंट्स वर नॉट हैप्पी विद रिच पीजेंट्स एंड दे ऑलवेज डिमांडेड दैट लैंड ऑफ रिच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, वो हर टाइम चाहते थे कि लैंड हमारे में बट जाए, रिच की लैंड हमें मिल जाए, वो ये चाहते थे हमारे में बांट दो ये लैंड, एंड दे मर्डर्ड देयर लैंडलॉर्ड्स, समटाइम्स दे मर्डर्ड देयर लैंडलॉर्ड्स, मर्डर भी कर देते होते थे उनके। अब हम इसको कंपेयर करेंगे फ्रांस के साथ, तभी हम बता पाएंगे व्हाई डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, फिर यहाँ पे आप एग्जाम्पल दोगे, फॉर एग्जाम्पल इन फ्रांस, आपने ये पढ़ा नहीं है चैप्टर में, नहीं था, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल इन फ्रांस Poor peasants never murdered their landlords. आपने इतना तो पढ़ा ही है, फ्रांस में कभी भी सुना poor peasants अपने landlords के murder करते थे या उनसे land मांगते थे, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा फ्रांस में। For example, in France, poor peasants never murdered their landlords. They helped their landlords whenever they needed.
उन्होंने तो अपने लैंडलॉर्ड्स की हेल्प की थी व्हेन एवर दे नीडेड, जब भी उनके लैंडलॉर्ड्स को हेल्प चाहिए होती थी ना उन्होंने हेल्प की। इन ब्रिटनी रिवोल्ट, ब्रिटनी BRITTANY, ब्रिटनी BRITTANY, ब्रिटनी, इन ब्रिटनी रिवोल्ट, इन ब्रिटनी रिवोल्ट पुअर पीजेंट्स हेल्प देअर लैंडलॉर्ड्स, इन ब्रिटनी रिवोल्ट पुअर पीजेंट्स ऑफ फ्रांस हेल्प देअर लैंडलॉर्ड्स, हेल्प देअर लैंडलॉर्ड्स। अब रशियन सोसाइटी कैसे डिफरेंट थी हम ये बता रहे हैं, एक तो इस चीज में डिफरेंट थी इन रशिया, एक और चीज में डिफरेंस था 31% वुमेन वर्क इन फैक्ट्रीज। आपने फ्रांस में पढ़ा वुमेन फैक्ट्रीज में काम करती थी, वो अपने बिजनेस चलाती थी फ्रांस में। इन रशिया 31% वुमेन वर्क इन फैक्ट्रीज, वेयर एज इन फ्रांस वुमेन रन देयर स्मॉल बिजनेस। और वर्कड एज फ्लोरिस्ट, या तो वो फ्लोरिस्ट थी, फूल बेचती थी वो। तो इस वजह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। कंडीशन ऑफ कैसे डिफरेंट थी रशियन सोसाइटी फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो एक आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कुलक्स, ये मैं बैक क्वेश्चंस को देख के बोल रही हूँ। कुलक्स वर्ड आ जाए तो हाउ टू राइट, आपने बताना है वेरी रिच पीजेंट्स इन रशिया वर नोन एज कुलक्स, ठीक है। ये भी आप कर चुके हो इसलिए मैं नहीं करवा रही, नो नीड टू राइट, सिर्फ सुन लो। वेरी रिच पीजेंट्स इन रशिया वर नोन एज कुलक्स। अब इनकी पावर स्टालिन ने छीनी थी, यू नो इट वेरी वेल, ड्यूरिंग कलेक्टिवाइजेशन स्टालिन रिमूव्ड कुलक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड ऑफ कुलक्स अमंग पुअर पीजेंट्स। You know it very well, ना कलेक्टिवाइजेशन के टाइम स्टालिन ने कुलक से लैंड छीन के किसको दे दी थी, पुअर पीजेंट्स में बांट दी थी। तो यू कुलक्स के बारे में आप ऐसे बता सकते हो। एक और टॉपिक है बुक में डूमा, ये भी आप कर चुके हो एंड यू हैव टू राइट योर सेल्फ। कैसे लिख सकते हो आप इसको, पहले तो आपको बताना है रशियन पार्लियामेंट, नेम ऑफ रशियन पार्लियामेंट, डूमा इज द नेम ऑफ रशियन पार्लियामेंट। किसने क्रिएट की, Tsar. It was created by Tsar in 1905 after the 1905 revolution. पता है ना 1905 के revolution के बाद Tsar ने Duma create की थी. You know it very well ना, किया था ना ये after the revolt of 1905, जब violence हुई थी पूरी रशिया में, strike हो गई थी, तो Tsar को क्या create करनी पड़ी थी, Duma. पहले तो आप बताओगे it was the name of the Russian parliament after the 1905 revolution, he created Duma, ठीक है। Now his powers became limited. Tsar was not satisfied. वो खुश नहीं था इस बात से. That's why he suspended Duma after 75 days. उसने 75 days के बाद Duma को suspend कर दिया. बस ये आप इसमें लिखोगे. It means chapter Russian revolution complete and you have done all the question answers, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आप कर चुके हो, कंप्लीट भी हो गया चैप्टर। और अब आपको क्या करना है, आपको इतना पता चल गया होगा एवरी वीक देयर इज अ टेस्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लीज रिवाइज टॉपिक्स, जो आज मैंने आपको करवाया यू हैव टू रिवाइज ऑल।